जुल्कनैन, ये शेरो शायरी तुमने लिखी है? नहीं टीचर, दोस्त ने लिखी है। झूठ बोल रहे हो, ये राइटिंग तुम्हारी है। और इसमें लिखा क्या तुमने? हाँ मिस तबस्सुम, आप बाल खोल के बहुत अच्छी लगती है। शर्म तो नहीं आती ना तुम लोगों को? तभी मैं कहूँ कि मेरे बालों पे कौन नजर लगा रहा है, एक महीने से झड़े जा रहे हैं, शर्म तो नहीं आती? मिस इंग्लिश की टीचर के लिए लिखा था। इंग्लिश की टीचर के लिए लिखा था? सॉरी मिस, सॉरी। सॉरी के बच्चे, चलो मुर्गा बनो, चलो उठो। तुम लोग के माँ बाप तुम्हारे लिए इसीलिए फीस भरते हैं कि यहाँ आके शेरो शायरी करो। चलो मुर्गा बनो। मुझे क्या देख रहे हो, चलो अपना काम करो। ये क्या बदतमीजी है? अम्मा 10 दफा मना किया है, जब बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाया करें तो ये म्यूजिक म्यूजिक मत सुना कर, बुरा असर पड़ता है बच्चों पर। अरे चल चल, ये कमबख्त तो खूब घरों में केबल देखते होंगे, इनपे क्या असर होना है? अरे अम्मा, घर पे चाहे जो कुछ करे, यहाँ तो वो पढ़ने आते हैं ना। तो मैं क्या करूँ, इन मनुष्यों की वजह से अपनी एंटरटेनमेंट कुर्बान कर दूँ? बच्चे ना हो गए, अजाब हो गया, अपने ही घर में कैद होके रहना पड़ रहा है। अरे अम्मा, म्यूजिक आहिस्ता भी तो सुना जा सकता है ना। ना भैया, ना ही दफ्तर के गाने ना ऊंची आवाज सुनने में मजा आता है। अम्मा खुदा का वास्ता है, मेरे इस ट्यूशन सेंटर को ट्यूशन सेंटर ही रहने दो, डांस क्लब मत बनाओ। ला हौले वला कुव्वत, मैंने कब कहा है तेरे ट्यूशन के बच्चे गानों पे नाचे? हाँ तुमने नहीं कहा, वो जो परसों उर्वा का आइटम सॉन्ग लगाया था ना, अरे बाहर बच्चे खड़े होके डांस कर रहे थे। तो उनके घर में होगा नाच गाने का कल्चर, मिरासी की औलाद ना हो तो। मैंने कौन सा माथे में पिस्टल रखा है कि नाचो? कभी अपनी गलती मत मानना। हाँ गलती किस बात की, मैंने उधार खाया किसी का? मैं नहीं सुनती किसी की फालतू बकवास। चल आहिस्ता बोलो, बच्चे सुन लेंगे। हाँ तेरे बच्चे आसमान से उतरे हुए ना, सुन लेंगे तो क्यामत आ जाएंगी। आन कर स्पीकर जरा। मैं नहीं कर रही, खुद ही कर लेना। तबस्सुम, अरे मनोज मारी, माँ की बदवाए मत ले, मेरे पीछे पड़ी रहती, बच्चे ना हो गया, अजाब हो गया। तुम लोगों को क्या हो गया, अपना काम करो और ध्यान दो अपनी किताब पे। दूसरी बातों में तुम लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, पढ़ाई की बात करो तो साथ सूंघ जाता है। कर रहे तो चुप चुप कर। कुछ नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं। सच बता क्या कर रहा है, सिगरेट तो नहीं पी रहा? अस्तगफिरुल्लाह अम्मा, इस उम्र में मैं सिगरेट क्यों पीऊंगा? आजकल जो बच्चे ना करे ना वो भी कम है। सच सच बता क्या छुपा रहा है तू? रहने दो ना, क्यों जिद कर रही हो? बताओ मुझे, दिखा। ये क्या तू तावीज लिख रहा है? अम्मा इस वक्त में मुझे यही तावीज बचा सकता है। हाय, इसका मतलब है तू सच्ची तावीज लिख रहा है? बता, उल्लू का खून कहाँ से आया तेरे पास? उल्लू का खून कहाँ से लाऊंगा अम्मा, उसको मैंने क्या करना है? बचपन में मैंने सुना था कि ये तावीज घंटे जो है ना, ये उल्लू के खून से लिखे जाते। ये अब्बा के साइंस की प्रैक्टिस कर रहा था रिपोर्ट कार्ड पे करने से। वो क्यों फेल हो गए? हाय अम्मा, फेल हो गए? शहाब, तुझे कितने ड्राई फ्रूट खिलाए थे, तुझे अंदाजा है कितना महंगा है ड्राई फ्रूट? अम्मा तुम्हें मेरे फेल होने पे अफसोस है, बादाम अखरोट के पैसों पे? दोनों पे अफसोस हो रहा है, पैसे जरा दरख्तों पे नहीं उगते हैं। इतनी मेहनत करते है तेरा अब्बा। अम्मा क्या अब्बा मेहनत करते है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये स्टेट एजेंट वालों का काम ही है ये। खबरदार जो बकवास,
जिस थाली में खाता उसी में थूकता है। अम्मा ये थूको की मिसाल मत दिया करो, उल्टी हो जाएगी किसी दिन। तेरे अब्बा को कैसे बताएंगे? अम्मा अब्बा को बताना लाजमी है। नहीं नहीं मैं नहीं छुपा सकती, मैं नहीं छुपाऊंगी, मैं तो बताऊंगी उसको। अम्मा इतना सा राज नहीं छुपा सकती, सोच लो बशीर के फ्रेंड्स पर खिलाऊंगा। लेकिन पिछली दफा ना उसने मेवा और मसाला बहुत कम डाला था, इस बार उसको बोलना दोनों चीजें ज्यादा डाल के दे। सही है, अब्बा को मत दिखाना। सही है, हाँ ला रहा हूँ। हाँ भाई हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। अबे हाँ भाई हो गई डील, हो गई। 1.5 लाख रुपए एडवांस मांग लिया मैंने। अबे यहाँ देते कैसे, नहीं मान गए? अबे अपने इलाके में मकान मिलता गए इतनी आसानी से? ये तो मेरा मैंने दिला दिया, वरना कोई दिला भी नहीं सकता था। चलो मैं घर आ गया हूँ, कट ले, बाद में बात करते हैं रात में, ठीक है ना? अरे भाई वालसाम, अबे कितनी दफा मना किया, तले भी चिपस मत खाया कर तू, स्किन जो है ना तेरी तबाह हो जाएगी, तबाह। अल्लाह नजमी, अब हर वक्त खाने पे तो ना टोका करे ना। अबे तो खाना भी तो देखना अपना, तू हर वक्त जंक फूड खाती रहती है भाई, ये कोई टाइम ही खाने का? ये जंक नहीं है, ये फ्रेंच फ्राई है। अरे जो भी फ्राई है, मेरा दिमाग फ्राई मत कर, यही बात ना तेरी जहर लगती है मुझे। भेज में चैंपियन है तू, हर बात का जवाब है तेरे पास। अच्छा गुस्सा छोड़े ना, काम की बात सुने। वो जो अपना शहाब है ना, उसकी पढ़ाई का बड़ा हर्ज हो रहा है, और मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि उसको ट्यूशन में एडमिशन दिला दे, पढ़ लिख जाएगा ना तो हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा वो। अरे क्यों ट्यूशन में करा दे उसको, है क्यों मैं अपने पैसे जाया करूँ? तूने मैट्रिक पढ़ा हुआ ना, वो तो 7वीं जमात का बच्चा, पढ़ा उसे घर पे, क्या करती रहती है सारा दिन ये फजूल चीजें खाती है। मैं तो सिर्फ मैट्रिक पास हूँ। अबे तो वो 7वीं में पढ़ता है ना, तो पढ़ा सकती है उसे तू? नहीं अरे मेरी भी तो मैट्रिक पास की जो ना बड़ी लंबी कहानी है, है? वो तो अल्लाह का करना था कि वो करीमाबाद में सिराजुद्दौला कॉलेज है ना। अबे आप वो पुल के नीचे बड़ी लड़कियां होती है, वहाँ पे ना वो मेरा सेंटर पड़ा, वहाँ पे तो इतनी खुल्लम खुल्ला नकल हो रही थी, मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। उफ लानत है, लानत है भाई, लानत है। इस मौके पर तो तुझे डूब के मर जाना चाहिए, और फखर से बता रही है तू। अब आप काम की तो बात सुने ना। सुना मुझे अपनी पड़ोसन ना साजिदा, हाँ वो कह रही थी यहाँ पे एक बड़ी मैडम है जो ट्यूशन पढ़ाती है, उसका जो हर बच्चा है ना वो जब उसके पास पढ़ता है तो उसकी पोजीशन आती है। मैं तो कह रही हूँ कि शहाब को भी वहाँ एडमिशन दिला दें। अबे रहने दे, अभी उसे खुद ही पढ़ लेने दे। देख मैं जब बाहर से आता हूँ ना, खर्चे की टेंशन वाली बात बिल्कुल मत किया कर मुझसे, मेरे सर में दर्द हो रहा है इस वक्त। जा चाय ला दे मुझे, बस मैं जा रहा हूँ। फ्रेंच फ्राई लाऊं? अबे नहीं खाने, कान में क्या घुस गया। वैसे अम्मा अब तेरे हाथ में कोई टेस्ट नहीं रहा, पहले कितना मजे का खाना बना रही थी। क्या बताऊं सब, बस लोगों की तो नजरें ही लग गई। तुझे याद है ना खानदान में सबसे अच्छा खाना मैं बनाती थी, और सारे खानदान की औरतें जलती थी मुझसे कि मेरी तारीफ क्यों होती, बस उन्हीं की नजरें लग गई। कोई नजरें वजरें नहीं लगी, ये जो तू छुपकलियां मारती है ना ये उसकी वजह से है। कहते हैं ना जो छिपकलियां मारे उसके हाथ का जायका चला जाता है। अच्छा क्यों ना मारूं छिपकलियों को, सारा दिन किचन में दंदनाती फिरती अपने एलोयाल के साथ, मेरा बस चले ना छिपकलियों की चटनी बना दूं। हाँ मां बस भी कर दे, खाना खा रही हूँ मैं, कैसी बातें कर रही हो। अच्छा सुन, कल ना कुछ लोग आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। कौन लोग? अरे भाई तेरे रिश्ते के लिए। अम्मा तो फिर कोई तमाशा बनाना चाह रही है? खबरदार तूने कोई बदतमीजी की उन लोगों के साथ, सरकारी मुलाजिम है। बेटा हुआ तो क्या हुआ, क्या उम्र है? मुंह से तो 45 साल कह रहे थे लेकिन होगा 50 साल का। और तू उसे लड़का बोल रही है, अच्छा खासा बुड्ढा है। लड़के की ना उम्र नहीं देखते, उसकी कमाई देखते हैं, उनकी तालीम देखते हैं। अगर तालीमी याफ्ता होगा तो करूंगी शादी, वरना खड़े खड़े चलता करूंगी। अरे सरकारी मुलाजिम है, तुझसे तो ज्यादा ही बाशऊर होगा, बड़ा तुझे अपनी डिग्रियों पे घुमंड है ना, कितने रिश्ते ठुकरा चुकी है तू। मैंने जो कहना था कह दिया, अब आगे तेरी मर्जी है, और वैसे भी मुझे भूख नहीं है, बस हो गई है मेरी। कहा है तुझे खाने के टाइम पे मनु से ना फैलाया कर, बात नहीं आती ना खा, मैं खुद ही खा लूंगी। हर वक्त कीड़े निकालती रहती, ये चीज अच्छी नहीं वो चीज अच्छी नहीं।
हाँ भैया, अबे प्रॉपर्टी का धंधा तो बिल्कुल ही फारिग चल रहा है यार। अबे हाँ, वो 4 प्लाट खरीदे थे ना हाईवे की तरफ, अबे आधी कीमत मिल रही है यार उनकी। मैं तो कह रहा हूँ अभी रोक लें, कीमत बढ़ेगी ना तो बेच देंगे। अबे तुझे क्या मसला है, इन्वेस्टर टाइप आदमी है तू, और नहीं तो क्या। हाँ हाँ, कोई अच्छा सौदा होगा तो बताता हूँ मैं। चल सही है, ओके। अम्मा ने चाय भी दिया। अबे सुन बात मेरी। हाँ जी। तेरी अम्मा बोल रही है कि पढ़ाई में तेरा दिल नहीं लगता, ठीक से दिल लगा ले वरना ऐसी ट्यूनिंग करूंगा ना तेरी टाइट, नानी याद आ जाएगी। नहीं नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है। तो पर क्या बात है, सब जानता हूँ मैं। जा जाके मेरे लिए जीरे वाले बिस्किट ले गया, खाली चाय भेज देती है, खाली पेट मेरा जो है ना वो अल्सर हो जाएगा चाय पी पी के। निस्ले से ना हो बिस्किट। अम्मा ये जीरे वाले बिस्किट क्या है? वो इधर कैबिनेट में पन्नी में रखे। वैसे अम्मा ठीक नहीं क्या तुमने? चिप्स भी खा लिया, रब्बा को चुगली भी लगा दी। अरे नहीं नहीं, वो असल में मैं तो बस बस रहने दो, देख लिया तुम्हारा प्यार। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, देखो ना खानदान के सारे बच्चों की पोजीशन आती है। एक तो मैं हूँ जो मुस्तकिल मिजाजी से फेल होते रहते हैं। अब देखो ना हमारी भी तो कोई इज्जत है ना खानदान में। हाँ, तो आप लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है ना, बस खानदान में इज्जत बढ़ानी है अपनी। देखो ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तेरे अब्बा को कहा था कि किसको ट्यूशन लगवा दे। अभी से बता रहा हूँ ट्यूशन की जिद ना करना, घर छोड़ कर भाग जाऊंगा। मेरी लड़की पे सिगड़ापा खत्म है, माशाल्लाह तबस्सुम जिस घर जाएगी ना जन्नत बना देगी। आंटी हमारे भाई भी बड़े ही नेक सीरत आदमी हैं, हमारी मरहूमा भाभी तो इनके कसीदे पढ़ते नहीं थकती थी। शक्ल से नजर आ रहा है, नेकी और बदी तो दूर से नजर आ जाती है, बदकमाश लोगों के चेहरे पे फिटकार बरस रही होती है। तुम्हारा भाई शक्ल तो मामूली है लेकिन शराफत टपक रही है। हाँ आंटी आप लड़की को जल्दी बुला लें। हाँ हाँ क्यों नहीं, तबस्सुम भाई जल्दी आओ, बुला रही है। वालेकुम अस्सलाम प्यारी भाई। प्यारी है ना मगर थोड़ी सूखी है, वैसे खाना बना लेती हो? एक मिनट, खाना तो ऑर्डर भी किया जा सकता है, शादी का मसला खाना पकाना नहीं है। ज़हनी आमंगी बहुत जरूरी होती है शादी के रिश्ते में, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपके भाई से कुछ सवाल कर सकती हूँ। क्या हुआ, आप लोगों को सांप क्यों सूंघ गया? क्या सवाल करना मेरा हक नहीं है? नहीं पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? ये हुई ना मर्दों वाली बात, वो अम्मा बता रही थी कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जी जी, मैं महबूद आबादी के महकमे में मुलाजमत करता हूँ। ओ, पहली बीवी से बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह 6। हेलो भाई, आपने तो मुनाफ़ा की हद ही पार कर दी। क्या मतलब? अपने कॉलो फेल में तजाब देखो, सारी दुनिया को कहते हो बच्चे दो ही अच्छे और खुद के 6 बच्चे। ये क्या तरीका है बात करने का? तबस्सुम बेटा तमीज से। अम्मा मुझे नहीं समझ आ रही आदमी, जितना ये मिसना लग रहा है ना उतना मिसना है नहीं, शर्त लगा लो मुझसे, इसके पेट में दाढ़ी है। आंटी ये क्या तरीका है बात करने का? तबस्सुम बेटा तमीज से। अरे एक मिनट बस एक सवाल, आपकी पहली बीवी मरी कैसे थी? वो प्रेशर कुकर फट गया था। लो भाई अब तो मामला और भी मशकूक हो गया। तबस्सुम चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ। अरे अम्मा, अरे इसके पैर तो देखो, वो तुमने कहा था ना जिन लोगों के पैरों की उंगलियां अंगूठे से बड़ी होती है ना, बकार होते हैं, खुद ही देख लो। बस बस अब बहुत हो गया। अरे बैठे तो सही, हमें नहीं करना शादी। आपकी बेटी तो कुछ पागल ही लग रही है। अरे भाई आप कौन सा आई थी शादी करने, आपको तो अपने भाई के 6 बच्चों की आया चाहिए थी, यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है। कर्ज किसी और का और सूद दे कोई और,
चलिए चलिए अपना रास्ता नापिए, जाइए जाइए भी। अबे आसिया, अबे मेरी फाइल कहाँ रखी है भाई, मिली नहीं रही है, ऐसे संभाल के रखती है चीजों को, आम सी फाइल थी को कीमती थोड़ी थी, अलमारी में ना रख दियो। अबे आसिया क्या मुसीबत, अबे यार कहाँ रख दी ये, क्या रिपोर्ट कार्ड यहाँ क्यों छुपाया हुआ भाई, देखो तो। अबे नहीं फिर फेल हो गया ये, अपने बाप का नाम डबोएगा ये। अबे बता तो सर, अबे शायद आसिया ये क्या है, ये आपका हाथ, अबे क्या हाथ में क्या है, उंगलियां, अबे बावली हो गई क्या, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड अम्मा, वो ना इसने मना किया था, इसने मना किया और तुम मान गई है, शाबाश। ऐसे नहीं माननी थी, बशीर के फ्रेंच फ्राइज ला के दिए थे। क्या बोल रहा है तू, रिश्वत ले रही है तसे बच्चे से, उसके ऐप चुपाने के लिए शर्म नहीं आई तुझे, असल में ना इसको डर लग रहा था, और इस में लिया भी क्या तूने, आलू के चिप्स, लानत है भाई लानत है, तो और क्या लेती थे छोटे बच्चे से। अबे खबरदार चुप, वान में चला गया मेरे सामने, और तू बता तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को रिश्वत देते हुए आए, मैं तो अपने आप को बचा रहा था, इन्होंने रिश्वत ली, लो बता जवाब दे दो इसका, और बात सुन ले तू कान खोल के, अभी क्या अभी मैं तुझे लेकर जाऊंगा ट्यूशन सेंटर पे, ठीक है, वहां तेरा दाखला कराऊंगा, उसके बाद भी अगर तेरे नंबर कम आएगा तो सीधा मजदूरी पे जाएगा तू, मजदूरी पे। हाय अल्लाह, नहीं नहीं ये तो अभी बहुत छोटा है। अबे कहां से छोटा है, हर तरफ से पहले जा रहा है, ये माई होती है बच्चों को तबाह बर्बाद कर देती है, बात सुन मेरी, ये पकड़ जल्दी बाहर आ जाना, और कौन सा ट्यूशन सेंटर बताया था तूने, तबस्सुम ट्यूशन, तबस्सुम क्या समझा, जल्दी आया, जलील करा देना तेरी हरकतों ने, क्या समझा, हाँ तो अम्मा तुमसे एक रिपोर्ट कार्ड नहीं छुपाया जाता, जाओ के अच्छे से पढ़ना वहां पे, अब क्या ही भी हूँ मैं। अरे अम्मा नहीं नहीं क्यों, जमाल गोटा मिला है, है? तेरा कोई हाल नहीं, तेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, आए मैं कहाँ जाऊँ, अरे बकबक ऐसे रिश्ते किसी को नहीं मिलते, ऐसा क्या अच्छा था, उस शख्स ने तमिल फिल्मों को विलेन लग रहा था, अब इस उम्र में हिमायूं सही तो तुझे मिलने से रहा। हाय अम्मा तुम मुझे किससे मिला रही हो, वही ना जिसका भी ड्रामा आया था, हाँ हाँ वो जिसमें एंड में मर जाता है वो, हाँ हाँ उसको देखा था ना, कम से कम मुझसे बहुत बड़ा लग रहा है। अब बातें ना घुमा तबस्सुम, अभी ये तूने हरकत की है ना इसके लिए सारी जिंदगी तुझे माफ नहीं करूंगी। हाँ हाँ अम्मा ना करना माफ सारी जिंदगी, दो घंटे के लिए बस। ये सलाह दिया मेरी वफादारी का, मेरी मोहब्बत का, ओहो। अरे कौन है बदतमीज, हेलो ये अपना तबस्सुम ट्यूशन सेंटर यही है, हाँ यही है, वैसे ये क्या जाहिलाना तरीका है बेल बजाने का, अबे कोई आ जो नहीं रहा था तो बेल तो बजाएंगे, हाँ तो आदमी चलकर आएगा ना, उड़ के तो नहीं आ सकता, तुम तो बेल पे हाथ रख के सो ही गए। हाँ ये बात तो सही कह रही है आप, माजरत है, वो आप तबस्सुम है, नहीं मैं तबस्सुम की माँ हूँ, बिल्कुल मरवा दिया, ये बच्चा है ना अपना, इसका एडमिशन के लिए आया था मैं, तो यही खड़े रहे अंदर आ जाए, आ जाओ चल भाई आ जा। बैठो भेजती हूँ। अब्बा क्या पढ़ूंगा मैं, अबे तो नहीं तुझे लेके जाऊं क्या, देख नहीं रहा सारे बच्चे पढ़ रहे, मैंने कब कहा के नहीं पढ़ रहे। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सुन चाब वो देख मोटरसाइकिल के अंदर ना चाबी लगी रह गई, लेके आ जल्दी जाके। मैं ना, अबे तो मैं लाऊंगा जल्दी जा। आ रहा हूँ आ रहा हूँ।
मासूम, तुम बेशरम, बेहया, धोखेबाज। आहिस्ता 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 बोलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मैंने जिस तरह मेरी दोस्त शगुफ्ता को धोखा दिया ना, मैं वो भूली नहीं हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी जो दोस्ती? देखो मैंने तो उसको शुरू में ही बता दिया था कि भाई सीरियस मत होना, हमारे यहाँ शादी जो है ना बिरादरी से बाहर होती नहीं है। वो तो वही पागल थी, मेरे इश्क में ऐसा गिरफ्तार थी, निकाल ही नहीं पा रही थी। ये बहानेबाजी करके तुम अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। अबे खुदा के वास्ते ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरी दोस्त शगुफ्ता बेचारी एक साल तक डिप्रेशन में रही, खुदकुशी भी करने की कोशिश की उसने तुम जैसे खबीस आदमी के लिए। अबे तो इस पे मेरा क्या कसूर है? गलती तो उसकी है ना। देखो भाई इतनी छोटी सी बात पे कौन करता है खुदकुशी? तो बड़े बेगैरत हो, कितनी तुम लोगों ने डेटे मारी। ये तो शुक्र है कि मैं शगुफ्ता के साथ होती थी गवाह बनकर। सब जानती हूँ कैसे तुमने मेरी दोस्त शगुफ्ता को, बेचारी शगुफ्ता को शीशे में उतारा था। देखो वो पुरानी बात है ना, भूल जाओ। कड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा होगा है? अबे बच्चा है मेरा, सुन लेगा, घर पे जाके बता देगा, क्यामत आ जाएगी। देखो मैं तो यहाँ उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए लाया था, मुझे क्या पता था यहाँ तुम मिल जाओगे। मैं तो अपनी दोस्त शगुफ्ता से पहले ही कहती थी कि ये आदमी ठीक नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे इस इश्क में गिरफ्तार थी, पागल हो गई थी। नहीं है, अबे वो तो जेब में थी। अच्छा मैडम, तो फिर क्या बच्चों को भेज दो कल से मैं ट्यूशन पे? 2000 फीस भी साथ भेज दीजिएगा। अबे मैं तो 4 भेज दूंगा अगले महीने की भी, बस चल बे। ठीक है चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे आ ना, क्यों बुलाया है अपनी इमरजेंसी में? बैठ तो सही तू। अरे बैठ गई ना, जल्दी बता, बहुत टेंशन हो रही है। लक्ष्मी आया था क्या? हाँ, अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। बच्चा भी है? और नहीं तो क्या, वे पगली 15 साल हो गए हैं शादी को, अच्छा खासा बड़ा बच्चा है उसका। तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं, पुराना वक्त याद आ गया था। तौबा ऐ शगुफ्ता। अरे भाई उस वक्त भी मैं तुम्हें बहुत समझाती थी कि इस आदमी की आंखों में मुझे वफा नहीं दिखती। छोड़ना, ये बता नजमी कैसा लगता है अब? ओ मैडम, पहले भी वैसे वो कोई शहजादा गुलफाम तो था नहीं, और अब और भी मनहूस हो गया है। कराहियत आती है उसे देख के। इतने दुख दिए ना नजमी ने मुझे, भूल नहीं सकती। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ तू भूल जा, अरे बदला ले उससे। यही तो समझ नहीं आ रहा, बदला कैसे? एक काम कर, उसका बच्चा तेरे पास ट्यूशन पढ़ने आएगा, तू ना मेरे हिस्से के सारे बदले ले लेना, उसे मुर्गा बनाना, इसके कौन खींचना, जमा जमा के जोर जोर से थप्पड़ मारना। तू देखती जा, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा है। अरे खूब पिटाई करूंगी मैं उसकी, आने तो दे जरा उसे। तो बस शगुफ्ता, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, तू मेरी दोस्त है। माँ मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। ये जो अब्बा है ना, इनके काम ठीक नहीं लग रहे। क्या मतलब? अबे सुन भाई सुन, क्या बोल रहा है तू? अबे देख, अपने अब्बा के बारे में इस टाइप की बात नहीं करते, समझा? पता है जवानी में कितना चक्कर चलाया तुमने। अरे शाह तू क्या बोल रहे? ठीक ही बोल रहा हूँ अम्मा। अच्छा सुन मेरी बात, देख बच्चे इस टाइप की बातें करते हैं अच्छा नहीं लगते, मैं बता रहा हूँ तुझे जो चाहिए ना मैं दिला दूंगा। ये रिश्वत की ऑफर ना मारो, मैं अपनी अम्मा के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता। अच्छा मेरे बच्चे तू बता, खोल के बता क्या है? ये जो ट्यूशन तबस हूँ ना, उसकी दोस्त के साथ अब्बा का चक्कर चल रहा था। ए, ऐसे बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। तुमने ये सुना किया मेरी वफादारी का, मेरी मोहब्बत का? जान से मार दूंगी या मैं खुद बेवा हो जाऊंगी। अबे दोनों सुनता, मैं बात तो मेरी है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शुक्र है भाई ख्वाब था, वरना तो लग गए थे। चल भाई चल।
मिस्टर वसुम, बात सुन, ये पैसे पकड़ अपने लिए ना चिकन लेके आ जा। मुझे नहीं चाहिए। अबे जाना, चिकन खाने से दिमाग तेज होता है, जा। चलो आप क्या रोज ले आते हो? जा जा। हाँ जी। अरे डार्लिंग, देखो मैं बच्चों को छोड़ने आया, उसके सामने ऐसी वैसी को बात नहीं कर देना। ये डार्लिंग किसको बोला? अरे वो माजरत चाहता हूँ, रवानी में निकल गया, पुरानी जान पहचान है ना इसलिए। खबरदार, जो मुझसे बेतकल्लुफी की कोशिश की, जूते मारकर मुंह रगड़ दूंगी छछोरा कहीं का। अरे वाह, अल्लाह जब हुस्न देता है ना, नजाकत आ ही जाती है। अबे आ गया तू, चिकन लेके चल निकल। दो घंटे बाद आ जाना सपोले को लेने। सपोले? कितना प्यारा लग रहा है ना तुम्हारे मुंह से सपोले, एक दफा फिर बोल दो। अरे चौ, अरे एक अलैकुम मिस। वालेकुम, बैठो। तुम्हें क्या दावत देनी पड़ेगी फिर बैठोगे? मिस कहाँ बैठूं? मेरे सर पे। देख नहीं रहे कि बच्चे कहाँ बैठे? वहीं बैठना है। सॉरी मिस। चलो जल्दी से इंग्लिश की बुक निकालो। जी मैम। नाम क्या है तुम्हारा? शहाब नजम। माँ का नाम? आसिया। ये मुंह में क्या है? बबल। शर्म नहीं आती? टीचर के सामने गाय भैंस की तरह जुगाली करते हो? सॉरी मिल, मुझे नहीं पता था बबल खाना मना है। एक थप्पड़ खींच के और लगाऊंगी तुम्हें। जंगल में आयो, किसी ने तमीज तहजीब नहीं सिखाई तुम्हें? और ये डेले फाड़ फाड़ के किसको घूर रहे हो? कुछ ज्यादा ही बिगड़े हुए नवाब लग रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लो, यहाँ ये बदतमीजियां नहीं चलेंगी। अगर तुमने मेरे सामने कोई बदतमीजी की ना, तो तुम्हारी ऐसी खाल उदेड़ूंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। सॉरी मिस। सॉरी के बच्चे, चलो इंग्लिश की बुक निकालो, दिखाओ मुझे। तबस्सुम। अरे आई अम्मा, रखो अभी आके देखती हूँ। और तुम लोग पढ़ते रहो, ऊंची आवाज आनी चाहिए मुझे अंदर। तबस्सुम। अरे आई अम्मा। तो अम्मा को चैन नहीं है। अरे तबस्सुम कहाँ हो तुम? अरे अम्मा इधर हूँ, कबूतरों को दाना डाल रही हूँ। अच्छा ये ले पहन ले। ये क्या है? अरे छल्ला है, फाकरा ने दिया है, बाबा से पढ़वा कर लाई है। तो मैं क्या करूँ? भाई तेरी शादी के लिए। अरे अम्मा किन चक्करों में पड़ गई हो, मैं नहीं इन चीजों को मानती। अरे मानती तो मैं भी नहीं हूँ बेटा, औलाद की खुशी के लिए करना पड़ता है ना, बस तू पहन ले ना। इससे कुछ नहीं होने वाला। खैर है, ना हो तो ठीक है, हो जाए तो और भी अच्छा है। तुझे पहनने में क्यों मौत आ रही है? ला दे, बस तेरी खुशी के लिए पहन रही हूँ। शुक्रिया मैडम। अरे सुन, ये शुगुफ्ता क्यों आई थी? कोई काम था। बगैर काम तो वो आ ही नहीं सकती। क्या मतलब? बड़ी मतलब परस्त औरत है वो। बुरी बात है अम्मा। क्या बुरी बात है? मुझे तो शुरू से उसके चाल चलन अच्छे नहीं लगते। अरे क्या किया उस बिचारी ने? अच्छा बिचारी, याद नहीं है अब्बा की बरसी पे किस तरह लाल रंग की कमीज टाइट करके पहनकर आई थी? तेरी फूफी के लड़के को इदाएं दिखा रही थी। अम्मा इतनी पुरानी बात, अब बच्चे हो गए उसके, शादीशुदा है वो। बस मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, उससे दूर रहा करो। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे शगुफ्ता, तुम तो यकीन ही नहीं करोगी, मैंने उसके बेटे की ऐसी कुट लगाई है ना,
दिल खुश हो गया। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा किया, अब ऐसा करके उसके घर जाओ और उसकी बीवी को उसके सारे करतूत बता दे, तब मेरे कलेजे में ठंड पड़ेगी। आइडिया बुरा नहीं है, जब किसी को जलील करना हो ना तो उसे अच्छी तरह करना चाहिए। बस मेरी बहन, कल तू पहली फुर्सत में ना उस मनहूस के घर जा, आग लगा और बर्बाद कर दे उसे। शगुफ्ता, वैसे ये काम तुम्हें करना चाहिए, अब धोखा तो उसने तुम्हें दिया था ना। अरे नहीं ना, तू तो मेरी प्यारी बहन है ना तबस्सुम, तुझे तो पता है ना मेरे शोहर का, अगर जरा सी भिनक पड़ गई ना तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो, कल तुम मेरे घर पर आ जाओ, हम दोनों मिलकर उसके घर जाती हैं और ये नेक काम सर अंजाम देती हैं। अरे तू तो बेवकूफ है, अब सोच जरा, अगर नजमी ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे शोहर को सब कुछ बता दिया तो वो तो गुस्से के इतने तेज हैं, तू चाहती है तेरी बहन का घर बर्बाद हो। पर नजमी फिर मेरा दुश्मन नहीं होगा क्या? कैसी बातें करती है तबस्सुम, तू कौन सी शादीशुदा, भला तेरा घर क्यों बर्बाद होने लगा, सोच जरा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ, चलो कुछ करते हैं। देखो कुबे, ये जैसे मैंने गैप से लिख के दिया ना, ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है? चलो बैठ के लिखो। शहाब, एक घंटे से तुम्हें टेस्ट दिया हुआ है। जी मिस, बस खत्म होने वाला है। जल्दी से करो। जी जी। अच्छा सुनो। जी मिस। वो आज ट्यूशन के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। वो क्यों मिस? ये टोबाज औरतों की तरह सवालों के जवाब मत शुरू कर दिया करो, जितनी बात पूछी जाए ना उतने जवाब दिया करो। ठीक। अच्छा तुम लोग पढ़ो, मैं अभी आई। क्या मुसीबत है, अबे साहब बोल, अबे क्या कह रहा है? नहीं अच्छा, मैं बस अभी आया। मरवा दिया यार, क्यों क्या? क्या हो गया? अबे पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया क्या? अबे यार ये क्या हुआ? अबे इसी में खत्म होना था। कल्टी कर भाई कल्टी। अल्लाह करे स्टार्ट हो जाए, अल्लाह करे स्टार्ट हो जाए, अल्लाह करे स्टार्ट हो जाए। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अबे मरवा दिया। ओ तो भाई आ जाएगी, क्या करूं?
पैदल ही लेके निकलता हूँ भाई। शाबाश। हलकान हो गया मैं, हलकान हो गया। अभी खत्म होना था ये साला मरदूत पेट्रोल। अबे थक गया भाई। अबे घर कब आएगा? अबे इसी वक्त आना था उसको और इसको पेट्रोल खत्म होना था। कैसी हैं आप? मुझे इतनी खुशी हो रही है आप आई हैं। पानी तुम जाओ जाके बाहर खेलो। शुक्रिया। खुदा की कसम आपा, जब से शहाब आपके पास पढ़ने लगा है ना, बहुत जिम्मेदार हो गया है। वो तो ठीक है बहन, लेकिन ये आपा किसे कह रही हो? उम्रों का फर्क तो शक्लों से साहिब जाहिर होता है। अब मैं कोई उम्र रसीदा बुढ़िया तो हूं नहीं कि तुम मुझे आपा ही कहे जा रही हो। माफी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं कह रही थी कि वो लगता है कि जैसे कि आपने ना शहाब पे जादू कर दिया है। लाहौल वाला कुवत? अरे मैं क्यों करने लगी उस पे जादू? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अच्छा वाला जादू। शहाब बहुत जिम्मेदार हो गया है। अरे बहन, अगर तारीफ ही करनी है तो अल्फाजों का चुनाव तो ठीक से कर लो। आप तो उस्तानी जी हैं, मैं तो सिर्फ मैट्रिक पास हूँ। आपके सामने तो जबान भी लड़खड़ाती है, क्या अल्फाज को चुनाव करूँ? आपका तो इतना बड़ा नाम है मोहल्ले में। अरे बस रहने ही दो, मैं अपनी तारीफों के कसीदे नहीं सुनने आई, वो तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी जी जी, जरूरी बात, लेकिन पहले मैं चाय का इंतजाम कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी। नहीं नहीं नहीं, आप पहली दफा आई हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं दो मिनट में लाती हूँ। अरे सुनो तो, कमाल है, बोला चाय नहीं पीनी, कैसी नफ्सियाती मरीज आई। अबे तेरा बाप, खोल। पिछले दरवाजे से क्यों आया? तुझे क्या है, जहाँ से भी आऊँ मैं, कहाँ है वो? अंदर अम्मा के साथ बैठी है। अबे मरवा दिया यार। तो ऐसे काम करना ही नहीं चाहिए जिससे इंसान को बाद में पछतावा हो। अबे ओ बाप मत बन मेरा, समझा ना, बाद में आके जवाब दूंगा मैं तुझे। आसिया, आसिया, मगर तुम्हारी खैर नहीं है। अबे क्या कह रही हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो गड़बड़ मत करना खुदा के वास्ते। मैं इससे ज्यादा समझा भी नहीं सकती। तुम जिस मकसद के लिए आई हो ना, वो अपना मतलब पूरा करो और दफा हो जाओ यहाँ से। वैसे तो पूरे मोहल्लेदार जो है ना, आपको टोपी बाज और दो नंबर बोलते। अंदर बैठ के बात करते हैं ना। अंदर? आसिया! अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? वो शुक्र है, इसका मतलब है नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था अपना वो जो साहब है ना, उसकी टीचर आई भी क्या? हाँ। क्या कह रही है? वो कह रही थी कि कुछ जरूरी बात करनी है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ये तो बुरी बात है ना कि उसको सूखे मुंह तुसरा नहीं बिठा सकते। कितनी सही हो गई है ना तू, कसम से आज पता लगा मुझे। एक काम ये कर कि चाय के साथ ना थोड़े से पकोड़े भी बना ले। पकौड़े? अच्छा जल्दी से बना ले। अरे जल्दी किस बात की, क्या ट्रेन छूट रही है तेरी? अरे अपने बच्चे की टीचर है, जरा सही से पकोड़े बना, कच्चे रहेगा ना तो उसका पेट खराब हो जाएगा। और टीचर जो है ना, वो माँ जैसी होती है, बच्चे की माँ जैसी। तू यहीं रुक, मैं संभाल के आता हूँ, जल्दी से बनाना आराम से। आ गए तुम? हाँ तबसुम, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारी खैर नहीं है। अबे क्या कह रही हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो गड़बड़ मत करना खुदा के वास्ते। तुम्हारे बीवी बच्चों के सामने तुम्हारा पोल खोलने जा रही हूँ। अबे क्या कह रही हूँ, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, मैंने क्या किया ऐसा? बर्बाद ही तो करने आई हूँ, याद नहीं मेरी सहेली को कैसे बर्बाद किया था तुमने? मैंने कब किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बस सुनो, उसकी शादी वादी भी हो चुकी है, उसके बच्चे बच्चे भी है। देखो ऐसा कुछ मत करना कि मेरी जिंदगी तबाह हो जाए। देखो तो सही, कैसे भीगी बिल्ली बने हुए हो ना मेरे सामने, और उस वक्त फरौन बने हुए थे जब शगुफ्ता से ब्रेकअप हुआ था। अबे देखो तो बस, तुम गड़े मुड़ते हो, खा रही हो, तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब तो तबाह हो जाएगा सब कुछ, छोड़ दो ना उसको, भूल जाओ। अरे हो चुका जो तबाह होना था तुम्हारा,
जो कुछ तुमने बोया है ना, अब वो काटने की बारी है तुम्हारी। एक सेकंड दोगी मुझे? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सब कुछ सच सच बताऊंगा। देखो झूठ नहीं मैं बोलता, पता है तुम्हें मैं झूठ नहीं बोला। मैं ना शुरू से पहले दिन से मैं शगुफ्ता को पसंद नहीं करता था। हैं? हाँ? मुझे तो पता ही था। पूरी बात सुन लो, एक सेकंड दो मुझे। मुझे जो है ना शुरू से हमेशा से तुम पसंद थी। और सच बताऊं तुम्हारी आंख में ना शर्मो हया थी, तुम्हारा दुपट्टा लेने का स्टाइल तुम्हारी शराफत की गवाही देता था। हाँ, और तुम जो बोलती थी ना, तुम्हारा बोलने का जो स्टाइल था वो तुम्हारी रूह की पाकीजी का आइडिया देता था मुझे, सच कह रहा हूं। और दूसरी बात ये कि अगर आज भी मुझे ना तुम्हारे और शगुफ्ता के बीच में अगर इंतखाब का मौका मिले ना, तो एक बार नहीं 20-25-30 बार सर तुम्हारा इंतखाब करूंगा मैं। और ये अगर बिरादरी में शादी का चक्कर नहीं होता ना, तो आज आसिया पगलोट की जगह तुम मेरी बीवी होती। और कसम से मैं ये ले जी, कसम से वो बड़ी मेहनत कर रहा है आजकल। ये ले जी, इन्होंने तो कहा कि आराम से बनाना, लेकिन मैंने फिर भी जितनी जल्दी हो सका मैंने बना लिया। आप ले ना बस चाय। अच्छा जी, क्या जरूरी बात करनी थी आपको? हाँ, जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ, वो मुझे ये कहना था कि शाहब की पढ़ाई की बात करनी थी। अच्छा, बोले बोले। मैं उसे होमवर्क दिया करूंगी, बस आप बाकायदगी से चेक कर लीजिएगा। जी, जितना हो सके कर लूंगी। कोई और काम होगा ना, आप मेरा नंबर ले लें। अबे क्या जरूरत है भाई नंबर की है? भाई इतनी इंटेलिजेंट इतनी स्मार्ट है ये कि ये मौका ही नहीं देंगे आपको शिकायत का, बिल्कुल फिक्र ना करें। और आपके पास मेरा नंबर तो है ना, आप मुझे बता देना जो भी है। हाँ, मैं इन्हें कॉल कर लूंगी। सही, वो देखिए ना शाहब को तो मैं बोल बोल कर तंग आ गई हूँ, और खानदान वाले भी जो है ना वो कुछ मौका ही नहीं छोड़ते, इतना जो है वो बोल बोल के तंग कर देते हैं, ऊपर से फिर पड़ोसन भी जो है। अच्छा बस बहुत हो गई, वो फारिग थोड़ी है, वो पढ़ाना वढ़ाना होगा उनको, जाना होगा ना, जाना है ना आपको। तुम्हारे साथ पकौड़े पकौड़े और ले ना। नहीं नहीं बस चाय काफी है। तुम थैली में डाल के ले आओ पकौड़े। हाँ चाहिए चाय। देखा थैली लेने चली गई, इसलिए कहता हूँ पगलोट। हाँ आंटी, क्या हाल है? मुझे वो लोग जहर लगते हैं जो रस्मी सलाम दुआ लेते हैं। क्यों आंटी? इसलिए कि वो बड़े बेमुरव्वत होते हैं। मैं ना समझी नहीं। मैं इससे ज्यादा समझा भी नहीं सकती। तुम जिस मकसद के लिए आई हो ना, वो अपना मतलब पूरा करो और दफा हो जाओ यहाँ से। तबस्सुम, तेरी माँ का मूड इतना क्यों ऑफ है? मेरा मूड ऐसे ही खराब है। तुम इतनी पुरानी दोस्त हो इसकी,
कभी इसकी शादी के मुतालिक सोचा है? खुद तो शादी कर ली, तीन तीन बच्चे भी पैदा कर लिए। अरे माँ बस भी कर दो, कैसी बातें कर रही हो मेरी दोस्त से? अरे आईना दिखा रही हूँ, इसके खानदान के सारे मर्द मर गए। अरे कोई भाई, कोई कजन, कोई देवर, कोई जेठ, अरे कुआरा न सही रंडवाई सही, कोशिश तो करती ना शादी के लिए। मुझे लगता है इसकी दोस्ती एक तरफा है और मैं लानत भेजती हूँ ऐसी दोस्ती पे। हाँ सुन, तेरी अम्मा के मुंह को क्या हुआ? अरे छोड़ ना अम्मा को, ब्लड प्रेशर रहता है, कुछ भी बोल देती हैं। अच्छा दफा कर, ये बता कल तू नजमी के घर गई थी, क्या हुआ? हाँ शगुफ्ता मैं गई थी, लेकिन जब मैंने उसके बच्चे और बीवी की शक्ल देखी तो मेरा जमीन नहीं माना कि मैं उसके हंसते बसते घर को आग लगा दूं। अच्छा तबस्सुम तुझे याद नहीं उस खबीस के पीछे तेरी दोस्त डिप्रेशन की गोलियां खाया करती थी, अस्पताल तक जाने की नौबत आ गई थी। अब छोड़ ना, पुरानी बात हो गई है, अरे दफा कर अब उसको। अच्छा नजमी के घर बार की बड़ी फिक्र हो रही है तुझे और अपनी दोस्त के दुख का जरा भी ख्याल नहीं है। देख शगुफ्ता अब तू गलत बात कर रही है, ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी नजमी ने तुझे धोखा दिया था, मुझे थोड़ी ना दिया था, तू तो ऐसे खामोखा मुझे घसीट रही है। बस बस ये सफाइयां मत दे, मुझे तो लग रहा है कि तूने भी नजमी से सेटिंग कर ली है, बदल गई है तू। क्या हो गया इसको? तो अम्मा भी ना। अबे तबस्सुम। अल्लाह तौबा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा कोई चोर उचक्का मेरा पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है। अबे तुम्हारे पर्स को कोई हाथ लगाएगा ना 100 टुकड़े कर दूंगा उसके 100। अच्छा पहले कसाई थे क्या? अबे नहीं सिर्फ बकराई पे अपनी गाय लटाते हैं बस। मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मैं ना तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। शुक्रिया किस बात का? शुक्रिया इस बात का कि तुमने मेरी बात जो रख ली। शाम में क्या कर रही हो? बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और क्या। अरे डार्लिंग सारा वक्त तुम बच्चों को ही दे दोगी, हमें भी पढ़ा दो ट्यूशन। इस बात का क्या मतलब? भाई मतलब ये है कि अभी हमारे जो पुरानी जिंदगी के कुछ सबक थे ना वो बाकी रह गए, हमारा सिलेबस जो है उसको भी पूरा करा दो। अल्लाह तौबा नजमी, तुम अभी भी वैसे के वैसे दिल फेंको। अब जब सामने तुम जैसी हसीन लड़की खड़ी होगी तो दिल तो पड़क पड़क के बाहर आएगा ही है? अच्छा वैसे तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, अगर तुम बोलो तो उनको छुट्टी दे सकती हूँ। नेकी और पूछ पूछ छुट्टी दो उनको, पता है क्या हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं शाम में है ठीक है, थोड़ी आउटिंग शाउटिंग करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा जंक फूड खा के वापस आ जाएंगे, क्या ख्याल है? मैं शाम में फोन करूंगा फिर ठीक है, तैयार है ना? ओके भाई। अभी भी मिलना जुलना है क्या शगुफ्ता से? खाली मिलना जुलना, उसी के कहने पे तो मैं तुम्हारे खिलाफ हुई थी और तुम्हारे घर आई थी। अबे नहीं यार, कितनी तेज औरत है कसम से। अबे यार देख अपना घर तो बस आगे बैठी हुई है और तुझे जो है ना वो शरंगेज कार्रवाइयों पर ना उकसा रही है। सही बात है, मेरी अम्मा भी यही कहती है। है ना? अबे ये शगुफ्ता टाइप की जो औरतें होती है ना ये किसी की सगी नहीं हो सकती। पता है जब मैंने उसे कहा कि मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा जमीन नहीं मान रहा ये सब करने के लिए, तो उल्टा मुझ पे गुस्सा हो गई। देख लिया ना, बोल रहा था मैं। अबे लानत भेजो हमें क्या है? अबे ऐसे लोग जो है ना अपनी आग में ही जल जल के मर जाते हैं। छोड़ो ना ऐसे खामखा, हम उसकी गीबत करके अपने गुनाहों में इजाफा कर रहे हैं, कोई और बात करो। अबे आना हम लोग को इंजॉय करने आए, इंजॉय करते हैं इंजॉय। पता है मैंने ना बड़े अरसे के बाद इतना खुल के एंजॉय किया।
मेरी डार्लिंग, हम लोग के साथ रहोगी ना तो एंजॉय करोगी, बस एंजॉय। अरे कमबख्त, किन ख्वाबों ख्यालों में डूबी हुई है? कितनी दफा का है, दूध का उबल कर गिरना नहुसत होती है, पर तेरी तो समझ में नहीं आती ये बात। अरे अम्मा कोई नहुसत नहीं, सब अच्छा होगा। तेरी शुरू से यही मंतव्य है, कभी अपनी गलती ना मानी। अच्छा अम्मा सॉरी ना, कुछ सोच रही थी मैं। अच्छा सुन, एक रिश्ता आया है, लड़का को आ रहा है। बेचारा सात बहनों की शादियां करते करते ना उसकी उम्र ही निकल गई। वो लोग कह रहे थे कि शाम को आना है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? वो ये छल्ला जो तूने पहनाया था ना मुझे बाबा से लाके। हाँ 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 ना, इसने अपना काम शुरू कर दिया है। हाँ मेरा फोन आ रहा है। काम शुरू कर दिया? वाह भाई वाह, बाबे ने काम दिखा दिया। तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना तबस्मा। अबे ज़ेनब मार्केट नहीं होती तो क्या होता हम लोगों का है? अबे नहीं, ये तो मोटरसाइकिल पे जाना है ना, ये से बांधना है। अबे क्या कर रहा है, सामने से हट, तैयार होने दे। हड़प ये ले अम्मा, मुझे तो दो स्लाइस सेक दे। वैसे तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है, लेकिन आदमी शादीशुदा, ये ना हो कि कोई मसला हो जाए। क्या मसला हो जाएगा? किसी शादीशुदा से शादी करना क्या गुनाह है? हाँ ये भी ठीक है, इसकी स्टेट एजेंसी है ना। हाँ अम्मा स्टेट एजेंसी है इसकी। बस तो फिर पहली फुर्सत में ना अपने नाम पे फ्लैट या कोई प्लाट कर लेना। पर ये तो बात की बात है, अभी तो मैंने उससे ये बोला है कि जब बच्चे को ट्यूशन छोड़ने आएगा ना तो तुझ से बुलाऊंगी, तो खुद ही कर लियो जो भी कहना उसे। हाँ ये ठीक है। और अम्मा ये ज्यादा फालतू बातें मत करना कि हम कोई लालची लोग हैं। अरे तू फिक्र ही ना कर, मैं बड़े तरीके से बात करूंगी। अम्मा अब अम्मा क्या हो गया है? कह रहा हूँ अभी भी अब्बा पे नजर रख लो। क्या मतलब? अभी कमरे में ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे कोई जवान लड़का है वो। क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने अब्बा के बारे में ऐसे कौन बात करता है? अम्मा अगर इस उम्र में लोग ऐसे जवान बनने की कोशिश करें ना, समझ जाओ दाल में कुछ काला है। आ भैया क्या हुआ, क्या कर रहा है इधर खड़ा हुआ है? चला जा नाश्ता करे। ओए ओए ये इनको क्या हुआ? देख लो क्या कह रहा था, चले हुए पराठे। अभी क्या हुआ? ये तो मैं भी पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। क्या मतलब क्या हो रहा है? मेरा मतलब है आप इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? अबे यार क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, क्या हो गया, तू क्यों पूछ रही है? लगता है क्लाइंट कोई खूबसूरत लड़की है। अबे फिर वही कर दी ना बात शक वाली। अबे इतना शरीफ इंसान, इतना शरीफ तेरा शौहर है, उसको तू शक कर रही? अल्लाह ना करे, वैसे तो पूरे मोहल्लेदार जो है ना आपको टोपीबाज और दो नंबर बोलते, लेकिन मैंने तो कभी अपने मियाँ पर कभी शक नहीं किया। क्या बकवास कर रही है तू, है तुझे किसने पूछा कि कौन क्या बोलता है? अबे बच्चा खड़ा है सामने, कुछ शर्म कर ले, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर? अब्बा ये सब कुछ मुझे पहले से पता है, वो आलम नहीं है दुकान वाला, कह रहा था कहां है तुम्हारा अब्बा, खांचे बाज, बड़े दिनों से दिखाई नहीं। ए, खांचे बाज वो बोल रहा है, तू सुन रहा है उसकी बात? रख के उसकी गुद्दी पे चांटा देता, उसे तो मैं खैर देख लूंगा, और तू भी सुधर जा, फटो रास्ते से जाने दो मुझे। नाश्ता तो कर ले। अबे नहीं खाना, मैं तुम्हारा नाश्ता खुद खा लो। ऊंची आवाज में पढ़ो, और ये जो बच्चे आज नहीं आए ना,
कल आने दो जरा इन्हें, देखना मैं क्या हशर करती हूँ इनके साथ। अरे इम्तिहानात सर पर हैं और पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का। माँ बाप पैसे दिए जा रहे हैं और बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं है। साहब कर लिया तुमने? अच्छा तुम्हारे अब्बा कब आएंगे लेने तुम्हें? इसमें साथ ही होंगे। अच्छा जो मैंने होमवर्क दिया ना तुम्हें, कल पूरा करके लाना, ठीक है ना? जी मिस। और तुम क्या उसको देखी जा रहे हो, अपना काम करो। मिस लगता है अब्बा आ गया। हाँ भाई डार्लिंग कैसी हो? आज सब बोले आपका बेटा बैठा है। अभी ले। हाँ वो मुझे शाहब की पढ़ाई, मेरा मतलब है उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात करनी थी। जी जी मैडम, ठीक है बताएं। वहाँ नहीं, अंदर बैठ के बात करते हैं ना। अंदर आइए। चलो आइए। शाहब तुम्हारी प्रोग्रेस के बारे में बात करनी है, ठीक है ना? आइए आइए। ये आंटी आंटी ना जरा पराया पराया सा लगता है। अम्मी जान बोलो। अरे मेरे प्यारी अम्मी जान। अम्मा तुम इसी तरह घर में मासी बनी रहना, वहाँ अब्बा कोई ना कोई गुल खिला देंगे। भाई अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? अम्मा मैंने क्या बोला था, अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, देखिए अपनी नजरों से। तबस्सुम। सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा 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 भाई, मेरे दिमाग में तो कोई और ही शक्ल थी। दरअसल तबस्सुम ने इतनी तारीफ की तो मैं समझी कोई कनाडा के वजीर आजम जैसा दरमियाने उम्र का आदमी होगा। अम्मा बैठने के लिए नहीं कहेंगे? अच्छा बैठो बेटा बैठो। हाँ बैठा। तुम जल्दी से ना चाय और केक लेकर आओ, जाओ। हाँ मैं अभी लाई है। अब नहीं, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, केक वेक जंक फूड में नहीं खाता। बेटा ये आंटी आंटी ना जरा पराया पराया सा लगता है। अम्मी जान बोलो। अरे मेरे प्यारी अम्मी जान। माशाल्लाह माँ सदके, कितना अच्छा तुम्हारे मुंह से लग रहा है अम्मी जान। वैसे ये केक है किस लिए? अरे भाई आज तबस्सुम की सालगिरह थी। हाँ मेरी सालगिरह है, 26 की हो गई हूँ ना। अभी ले, पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग कोई बाहर चले जाते। तो अभी बता दिए ना, कौन सा देर हो गई है, बाहर कोई कर्फ्यू थोड़ी लगा है। बात तो सही कह रही है, जा तो अभी भी सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं, शाहब को जाके ना घर छोड़ के आता हूँ। तबस्सुम तू जब तक तैयार हो जाना फिर हम निकलते हैं। बेटा जी तबस्सुम को ही ले जाओगे, अपनी माँ को नहीं ले जाओगे? अरे मेरी प्यारी अम्मी जान आपके बगैर कैसे जा सकते हैं, आपको भी लेके जाएंगे। हैं? बस ठीक है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ और फिर उसके बाद तैयार हो जाती हूँ। माशाल्लाह कितना प्यारा है तू। और बेटा क्या करते हो तुम? मैं बस ये, आप लेना केक ले। तो बड़ी प्रॉपर्टी होगी तुम्हारी है ना? चल भाई चल भाई चल। हाँ भाई सुन शाहब, वो अम्मा को बोल देना खाने पर मेरा इंतजार नहीं करे, मुझे जरा देर हो जाएगी। क्यों कहाँ जा रहे हो? अबे कहाँ जा रहा हूँ क्या मतलब, क्लाइंट है उसको घर दिखाना है, वहाँ जा रहा हूँ, तुझे क्या? और ये मिस्टर तबस्सुम वाला क्या चक्कर है? क्या क्या चक्कर है? वो जो मेरी प्रोग्रेस की बात करने अंदर ले गई थी। अबे तेरी पढ़ाई का बता रही थी ना, कौन सा मेरे से इश्क की बातें करेगी वो है? चल जा अंदर। ऐसे तो नहीं कहा मैंने। जानता हूँ मैं तूने कैसे पूछा, जाके अम्मा को बोल दे खाने पे मेरा इंतजार ना करे, अम्मा बैठी रहेगी खाने पे भूखी। आ जा रहे हूं। ओ यार एक तो नई मोटरसाइकिल लेने का टाइम आ गया। अम्मा तुम इसी तरह घर में मासी बनी रहना, वहाँ अब्बा कोई ना कोई गुल खिला देंगे। क्या कहा तूने? ठीक कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, अब्बा पे नजर रख लो।
क्या ऑल फॉल बाकी जा रहा है तू? तबियत तो ठीक है तेरी? मेरी तबियत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब्बा के राधे ठीक नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है मिस तबस्सुम के साथ चक्कर चल रहा है। चुप, अभी चुप कर जा। तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप के ऊपर इतना गलीज इंतजार लगाते वक्त? तेरी जबान खींच लूंगी बाहर। मुझे मारने से अच्छा अब्बा पे नजर रखो, बाद में ये ना कहना कि बताया क्यों नहीं। दफा हो यहाँ से। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मियाँ जो है ना बड़ा नेक पारसा आदमी है। आज तो बड़ा मजा आया अम्मा, और ये देखो मेरा सबसे पसंद का। मेरे जोड़े पे नजर ना रखना, मेरे दामाद जी ने दिलाया है। अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, सिला कर दे मेरा पहन के दिखाना। अच्छा तो ये चक्कर चल रहा है, तभी मैं बोलूं। शगुफ्ता तुम डूब मरो, तुम दोनों माँ बेटी चुल्लू भर पानी में। ओए खबरदार जो मुझसे फालतू बकवास की तुमने। हो आंटी अपनी उम्र का ना थोड़ा सा लिहाज करो, दोनों टांगे तुम्हारी कब्र में लटक रही हैं, एक केले का छिलका रखने की देर है, शर्म नहीं अपनी बेटी की सेटिंग करवाते हुए, वो भी धोखे के बॉस शादीशुदा आदमी से। अबे ओ तमीज से बात करना मुझसे। चल यहाँ से, तमीज का ठेकेदार आया। शगुफ्ता तुम क्यों बात का तमाशा बना रही हो? बात सुन तबस्सुम, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरा दिल कैसे मान गया। तुझे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। क्यों, तुमने मेरे बारे में सोचा था जो मैं तुम्हारे बारे में सोचती? मेरी अम्मा ठीक ही कहती हैं कि तुम्हारी ये दोस्त बड़ी मतलब परस्त है। तबस्सुम तू अपनी वफादार दोस्त को मतलब परस्त कह रही है, वो भी इस धोखेबाज आदमी के लिए। अबे ओ तमीज से बात करो, मोजेस शेरी हूं मैं, बहुत मोजेस। अबे ओ तेरी ऐसी की तैसी, घुन लगे बस। बस शगुफ्ता बात का तमाशा मत बनाओ, नजमी मुझे पहले से ही बता चुके हैं कि शुरू से ही वो मुझे पसंद करते थे। और तूने इसकी झूठी कहानी पे यकीन कर लिया? तो यकीन क्यों नहीं करती, ये तो दिल की बात है मेरी। पहले दिन से मैं जो है ना तबस्सुम को पसंद करता था। अपनी शक्ल देखी थी तूने, साइड से देखो ना तो लंबे बालों वाली शोएब अख्तर लगती थी तू। अरे तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली है ना अम्मा। शगुफ्ता की शक्ल ना सुल्तान राइस ही मिलती है, बस जरा मूंछों का फर्क है। अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, 15 साल पहले ना इसकी तो मूंछें भी थी, ये तो अभी वो लाल वाली लाइट नहीं आ गई, वो लगवा लगवा के इसने हटा दी, तो काबिले कबूल हो गई, वरना तो है। तबस्सुम तू जो कुछ भी कर रही है ना, देखना एक दिन तू पछताएगी। बस बस दुआ करो कि अल्लाह सबको हिदायत दे। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई, तुम क्या ये अपना बसा बसाया घर छोड़कर नजमी की जान के दुश्मन बन गई हो? और नहीं तो क्या। अरे जाओ जाकर अपने घर पर तवज्जो दो। अबे सुन तबस्सुम, ये हसद और जलन की बीमारी होती है ना, इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। किसके मुंह लग रही है तू, छोड़। तुम तीनों ना थोड़ी सी शर्म कर लो, अगर पानी मिले ना तो उसमें डूब मरना, और तेरी माँ को तो ना चुल्लू भर पानी भी कम पड़ेगा। चल चल दफा हो जाए यहाँ से। अबे पानी ला देना चुल्लू भर। अरे नजर उतार ले सूटों पे से। सही कह रही अम्मा, अरे दिखाए ना, देना 100 रुपया। 50 ही है पेट्रोल के लिए रखे हुए थे, ले लो। अरे दे 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 दे, कोई बात नहीं। ये साग भर करते हैं। अबे रास्ते में किसी को दे दूंगा, वापस करो। अरे अम्मा दे देना किसी गरीब को। यार ये शाहबाज ऐसी बातें क्यों कर रहा था, कभी भी ऐसा नहीं बोलता। क्या हो गया उसको? लेकिन नजमी भी कुछ पतले पतले लग रहे हैं। की बात सच्ची निकली तो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मर्दों का भी क्या पता, नियत बदलते देर तो नहीं लगती। शहाब मेरे बच्चे मेरी जान। माँ प्यार क्या काम है, दही लाना या आलम की दुकान से दाल चावल चीनी आटा? क्या मतलब? मतलब पे ही तुम्हें प्यार आता है? अरे नहीं नहीं, तू तो मेरा बेटा है, मेरी जान है, आग का तारा है तू,
कलेजे की ठंडक है मेरा शहाब। वो कल तू क्या कह रहा था अपने अब्बा के बारे में? मां रहने दो, तुम्हें गुस्सा आ जाता है। अरे नहीं नहीं, देखो कल तो मुझे इसलिए गुस्सा आ गया था कि मैं ना तेरे अब्बा पे अंधा एतमाद करती हूँ। अम्मा, एतमाद अंधा होना चाहिए, बंदा खुद नहीं। अच्छा शाह बता ना, हुआ क्या है? वो जो मिस तबस्सुम है ना, हर दूसरे दिन प्रोग्रेस के बहाने अब्बा को अंदर ले जाती है और टेस्ट तो कोई लेती ही नहीं है, तो फिर किस चीज की प्रोग्रेस? लेकिन नजमी ने तो कुछ नहीं बोला। वो क्यों बताएंगे, ट्यूशन में किसी के अब्बा नहीं आते, बस मेरे अब्बा हर दूसरे दिन आ जाते हैं। और वो जो उस दिन मिस तबस्सुम घर पे आई थी, वो भी किसी और बात से आई थी, वो तो अब्बा ने हैंडल कर लिया उन्हें। क्या मतलब? मतलब तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मुझे अब्बा सही लगते थे, मिस तबस्सुम गलत लगती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है दोनों ही ठीक नहीं है। अच्छा साहब, मेरे बेटे, मेरे प्यारे से बच्चे, तू ऐसा करना, जब अगली दफा तेरी मिस तबस्सुम जो है ना तेरे अब्बा को अंदर बुलाएगी ना, तो फौरन मुझे कॉल करना, मैं जानू और मेरा काम जाने। चलो बच्चों, सब ऊंचा पढ़ो ताकि मुझे समझ आए कि तुम लोग पढ़ रहे हो। सारा दिखाओ, तुमने लिख लिया? शाबाश, वेरी गुड। और आयशा बेबी, वो ये पढ़ो, 9 9 stars। और तुम भी अभी क्या एक ही उंगली रखी जा रहे हो, एक ही पेंसिल मारी जा रहे हो एक ही जगह पे, पूरा देखो समझ के, अभी आके मैं तुमसे पूछूंगी सवाल। तुमने लिख लिया? दिखाओ तो, ये कैसे लिखा है, लगता है जैसे पैरों से लिखते हो, इतनी बुरी राइटिंग, ठीक से लिखो। चलो जारा दिखाओ, कुबरा एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। चलो ये अच्छी तरह समझ के पढ़ना जा। सुनिए जी, आप वो मुझे शहाब की प्रोग्रेस के बारे में आपसे बात करनी थी, जरा 2 मिनट के लिए आइए ना। चले चले। हेलो अम्मा। है प्लाट? प्यारी अम्मा जान, देखे प्लाट कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा हकमेर में? अरे कहाँ ज्यादा हो जाएगा, और तुम कौन सा मुझे दे रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं, वापस तो तुम्हारे पास ही जाएगा ना। हाँ बात तो आप ठीक कह रही है, लेकिन मसला इस वक्त पता क्या है, मेरे पास जितने भी प्लाट थे ना मैंने सारे बेच डाले, अभी तो मेरे पास कोई है नहीं। आप करेंगे क्या, वो अच्छा सा प्लाट आएगा ना कार्नर का, मैं साइड पर निकाल कर रखूंगा तबस्सुम के लिए। हैं अम्मा, ठीक है ना, अगर वो कह रहे हैं तो वो दिलवा देंगे ना, जिद मत करें, और वैसे भी ऐसे रिश्तों में हिसाब किताब अच्छा नहीं लगता। बेटा ये होती हैं सही औरतें, ऐसी होती हैं घर चलाने वाली औरतें, बस आती हैं ये घर को। सही बात तो कह रही है तबस्सुम, है पता है क्या, सारा कुछ इसी का तो है, मेरा क्या है, है ना? समझ आ गई। ये क्या है? हार पहनो। फुलफुल भी आ गई। मैंने तुम्हें अपना दामाद कबूल कर लिया। अच्छा? अरे मेरे दामाद जी का मुंह मीठा कराओ, जाओ मिठाई लेकर आओ। अच्छा बेटा, मैं अभी लेकर आई। ये लो, एकदम एक और ले लो। मौलवी तो नहीं बुलाया हुआ? अच्छा चलो भाई, अपनी दुल्हन को बनाओ हार। चलो भाई, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। एक सेकंड, ये
ये तो तुम्हारा स्टाइल है ना। अम्मा मैंने क्या बोला था, अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, देखिए अपनी नजरों से। अबे ये मिठाई में किसी ने क्या मिला दिया, मुझे चक्कर आ रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये अबे ये फूल किसने डाले मेरे गले में, कहां से आए ये फूल, ये क्या हो रहा था यहाँ पे। अबे आसिया अच्छा किया तू आ गई, पता है क्या, ये दोनों औरतें मिलके ना मुझे फंसा रही थी। है? और नहीं तो क्या, ये जो बुढ़िया ना ये मुझे कह रही थी कि मेरी बेटी को ना प्लाट दे दे। क्या कह रहे हैं? अबे क्या हो गया, क्या मतलब भाई? ओ गलत बात नहीं करना मुझसे, अब मेरी बीवी आ गई है मेरे पास, असल ताकत है ये मेरी, असल हॉर्स पावर है ये मेरी, संभाल लेगी तुम लोगों को। हाँ हाँ पहले तो तुम कहते थे कि मेरी बीवी एक नंबर की बावली है। अबे मैंने कब कहा, मेरे सामने मेरे मुंह पे झूठ बोल रही है आसिया, झूठ बोल रही है ये। नजमी मुझे आपसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैंने क्या किया मैं बता दो रहा हूँ, उन लोगों ने ना पता है क्या वो मिठाई के अंदर कुछ मिलाया हुआ था, ऐसे मैंने सूखा ना तो मेरा बिल्कुल माउफ हो गया, जेन माउफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, पता है क्या ये जो बोल रही थी ना मैं किए जा रहा था बस। अरे पागल हो गया क्या? अम्मा ये पागल नहीं हुआ, ये हमें पागल बना रहा था। तुम लोग को शर्म नहीं आती, ट्यूशन सेंटर के नाम पर तुम लोग ऐसी बेहयाई का काम करते हो, शादीशुदा मर्दों पर तुम लोग डोरे डालते हो, तुम लोग को शर्म आने चाहिए। एक बात कान खोल के सुन लो, ये शख्स एक नंबर का आवारा और बदमाश है, इसने बहुत सी लड़कियों को धोखा दिया है, और ये मेरे पास खुद चल कर आया था और इसने मुझसे कहा था कि इसको मुझसे मोहब्बत है। तुम तो अगर जलते तवे पर भी बैठ जाना फिर भी तुम्हारा यकीन ना करूं। अबे देखा ये होती है असल बीवी, कैसे मेरी साइड ले रही है, हाँ बचा रही है मुझे। अबे आसिया पता है हम दोनों के दरमियान ना फसाद करना चाह रही है, औरतें निकल लेते हैं यहाँ से, चलो चलो। पता है मुझे, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, ये जलती है मुझसे और मेरी नजमी से, जलती है मेरी जूती। नजमी तुम ऐसा नहीं कर सकते। ए, क्या हो गया इतनी फरी हो रही है मेरे से, नजमी नजमी, अबे मेरा प्यार का नाम है, सिर्फ मेरी बीवी ले सकती है मेरा ये नाम, और कोई नहीं ले सकता, नजम शेख मेरा नाम है वो बोल बस। अबे आओ चलो भाई, चलो चले। अल्लाह माफ करे, तुम लोग को तो शर्म आनी चाहिए। अबे चलो चलो भाई, दम घुट रहा मेरा, चलो आ जाओ आ जाओ। जाओ जाओ, लाने दे तुम पे, इतनी मुकद्दस पेशे की आड़ में ऐसी गिरी हरकत करते हो तुम लोग, लाना तो। अबे आ जाओ आ जाओ, बहुत हो गए। अरे जाओ जाओ, सारी फैमिली ट्रक के नीचे आए मरे इंशाल्लाह, अल्लाह करके टांगे टूटे तुम लोगों की। अबे आंटी आंटी मत दो, आए मत दो, जो देता है ना उसी को लगती है, बता रहा हूँ मैं। दबा हो जा मनुष्य मारा, दबा हो जा, लानत है। अरे अम्मा मैं कभी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फ्रॉडियर ना हो तो बेटा तू भी किस बेगैरत की बातों में आ गई है। उसने ऐसे क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे मुझे हैरत तो ये हो रही है कि उसकी बीवी कितनी कुनजहन औरत है, सारा मंजर देखने के बाद भी अपने शौहर को मासूम समझ रही है। नहीं अम्मा, नजमी ने बड़ी चलाकी के साथ हमारे साथ खेल खेला है। चल दफा कर, अब तू सो जा, मुझे पता है नींद मुश्किल से आएगी, लेकिन मेरा बेटा कोशिश करना। शाबाश, अब ये आंसू ना बहाना। शगुफ्ता अब क्यों फोन किया तूने तबस्सुम? मुझे माफ कर दे। दे क्या तुझे भी धोखा है? देख
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी बात नहीं मानी। खैर अब इन फजूल बातों का ना कोई फायदा नहीं है। शगुफ्ता मुझे तेरी मदद चाहिए। मेरी मदद? सुन, वैसे तो मैंने कसम खाई थी कि मैं सारी जिंदगी तेरा चेहरा नहीं देखूंगी, लेकिन अब मैं तेरी तरह बेवफा और बेमुरव्वत नहीं, इसलिए मैं तेरी मदद करने को तैयार। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है। वाह भाई आसिया भाई बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अबे अगर तुम वक्त पे नहीं आती ना तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। अबे दोनों औरतों ने ऐसा दिमाग बंद कर दिया था, लग रहा था जादू कर दिया, किसी ने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बंद हो गया था मेरा दिमाग। मेरा शुक्रिया नहीं अदा करें, शहाब का शुक्रिया करें कि वक्त पे हम पहुंच गए। असल में बात पता क्या है, बात यह है कि मैंने तो अपनी जिंदगी में ना कभी भी किसी दूसरी औरत की तरफ गंदी नजर से देखा ही नहीं। अरे भाई अपने घर में इतनी खूबसूरत बीवी मौजूद है तो फिर बाहर देखने की क्या जरूरत है? सही कह रहा हूँ ना? कौन आ गया? एक बे सर दबा दूं तुम्हारा? नहीं है? एक ही हाथ में आ जाएगा। कौन आया? अरे तुम फिर आ गए यहाँ पे? हाँ आ गए। तुम्हारे शैतान सिर्फ मियाँ को इसलिए दिखाने आई हूँ। मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करती। मेरा मियाँ ऐसा नहीं है, उसने कभी भी किसी औरत को गंदी नजर से नहीं देखा है। सुन लो ओ ख्वाबों की शहजादी, अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से निकल के बाहर आ जाओ। इस खबीस आदमी ने पूरे 2 साल चक्कर चलाया मुझसे, और जब शादी के दिन करीब आए ना तो मुझे छोड़ के चला गया। खाली हाथ नहीं भागा था ये, मेरी कमेटी के पैसे लेके गया था। मैं नहीं मानती। ठंडा करके खाओ, सारे सबूत ना मैं लेके आई। एक मिनट, ये हम घूमने गए, देखो तब की तस्वीरें, कितना खुश नजर आ रहा है देख। और ये इसके गंदे खून से लिखे हुए खत। ये आपने खून से खत लिखे? अबे पागल हो गई क्या? मैं अपने खून से क्यों खत लिखूंगा? मुर्गे की दुकान पे गया था, खून पड़ा था, डबो डबो के लिख दिया। चलो इसने कबूला तो किसने खून से खत लिखे थे? झूठ बोल लिया, तुम्हें बता तो रहा था मैं, अभी तो बताया मैंने, दिमाग मेरा बंद कर दिया इन दोनों ने। कल तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती की थी। खैर छोड़ो, मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए हमदर्दी है। जितना जल्दी हो सके ना इस खबीस से जान छुड़वाओ, तलाक ले लो इससे। अबे क्या करी, क्यों मेरा घर बर्बाद करेगी तू? बर्बाद? जो तो ऐसे मजा चखाएंगे तो याद रखेगा। नजमी ये सब क्या है? अबे क्या है क्या मतलब, झूठ बोल रही है, बता दो मेरे दिमाग। अभी भी अपनी मक्का। एक मिनट क्या हो गया? दो हाथ जब तक नहीं लगेंगे तो तुझे तसल्ली नहीं होगी। सुनो मेरी बात, सुनो, सब तैयार हो तुम लोग? एक मिनट सुकून से, और मैं मुझे भी तो बोलने का मौका दो। सुकून? अबे जर्जीस भाई, अरे पकड़ो इसको, अरे पकड़ो इसको।